हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन इन योर हैंड्स। हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने क्लास 9 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4, जो कि है क्लाइमेट। और हमने लास्ट वाले वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जाना था, एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट एंड वेदर के बारे में जाना था, एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट भी जाना था। सो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा तो कि आप वो वाली वीडियो पहले देख लें, क्योंकि उसमें बहुत सारे टर्म्स के बारे में मैंने बताया है। उसके बाद इस वीडियो में आए तो इससे आपको मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मानसून जो है ईजिली समझ आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इंडियन मानसून के मैकेनिज्म को समझने के लिए हम लोग कुछ पॉइंट्स को फिर से रिपीट करते हैं जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है जो डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। तो हम लोग को पता है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर में विंड ब्लो करती है। तो समर में क्या होता है, लैंड में लो प्रेशर बिल्डअप होता है एंड सी में हाई प्रेशर बिल्डअप होता है। ठीक है, तो जैसे ही लैंड में लो प्रेशर बिल्डअप होगा, सी में हाई प्रेशर बिल्ड होगा, विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर होगी। और क्योंकि सी में है, सी से विंड ब्लो कर रही है तो मॉइस्चर कैरी करके आएगी, मॉइस्चर कैरी करके आएगी तो फिर वो क्लाउड्स होंगे और उससे हमारा मानसून आ जाता है। ठीक है, अब यह लैंड पर लो प्रेशर क्यों बनता है, उसके बहुत सारे रीज़न है। ठीक है, एक तो है शिफ्ट ऑफ पोजिशन ऑफ ITCZ, मतलब कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन ओवर गंगा प्लेन। हमने बात किया था ITCZ के बारे में कि जो हमारा नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स है, वो लोग कन्वर्ज करते हैं इक्वेटर पे हमेशा, लेकिन समर पे क्या होते हैं, इसके नॉर्थ मूव करते हैं और वो गैंगेटिक प्लेन्स के पास होते हैं और यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट करते हैं, तो इसकी वजह से लो प्रेशर यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो मूवमेंट है वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम टू द नॉर्थ ऑफ द हिमालयस एंड द प्रेजेंस ऑफ ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ओवर द इंडियन पेनिनसुला। तो हम लोग को पता है कि जेट स्ट्रीम जो है नॉर्थ ऑफ द हिमालयस में कब होती है, विंटर में होती है, और ये वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम विंटर में ही आती है। तो विंटर रेन्स आती है बिकॉज ऑफ मेडिटेरियन रीजन में जो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस की विंड्स हैं उसको लेती हुई वो इंडिया की तरफ आती है। तो विंटर में इस तरीके से विंटर रेन्स होता है इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट। जहाँ तक समर की बात है तो समर में ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम आती है जो कि इंडियन पेनिनसुला के पास आती है, वो कोस्टल रीजन को अफेक्ट करती हैं। तो बहुत बार कोस्टल रीजन्स में जो है, जो बहुत बार साइक्लोन्स आ जाते हैं, ठीक है, वो सब भी ईस्टर्ली ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम की वजह से आते हैं। इसके अलावा जो मैडागास्कर एरिया, ठीक है, मैडागास्कर अफ्रीका में, ये इंडिया है, ठीक है, ये इक्वेटर है और यहाँ अफ्रीका में मैडागास्कर है, यहाँ पे हाई प्रेशर बिल्डअप होना स्टार्ट होता है। और जो साउथ वेस्ट विंड्स है, ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून विंड्स आप कह सकते हैं, तो यहाँ से वो आती है, ठीक है, हाई प्रेशर लेके आती है और ये भी हाई प्रेशर है। समर में क्या होता है, लैंड पे यहाँ लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, ठीक है, तो ये साउथ वेस्ट मानसून जो है हाई प्रेशर लेके आती है और इस तरफ आने लगती है, और हाई प्रेशर यहाँ मैडागास्कर रीजन में भी है। तो ये दोनों हाई प्रेशर जो है लो प्रेशर मॉइस्चर कैरी करके, क्योंकि पानी के थ्रू, ओशन के थ्रू आ रही, तो मॉइस्चर कैरी करके आती है और ये जो है इंडियन मानसून जो है इफेक्ट होता है इससे, या फिर कह सकते हैं इंडियन मानसून इससे हो जाता है। इसके अलावा जो टिबेटन प्लेटो है, ठीक है, जो वही टिबेटन प्लेटो जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा था, वो टिबेटन प्लेटो समर में जो है बहुत इंटेंसली हीट कर जाता है। ठीक है, क्योंकि एक तो हो गया कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जो गैंगेटिक प्लेन में आ गई, दूसरा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन आ ही चुका है, तो यहाँ पे जो है हीट बहुत ज़्यादा आ रही है, तो टिबेटन प्लेटो भी हीट बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ भी लो प्रेशर हो जाता है। तो इंडिया के पार्ट में लो प्रेशर हो गया, ठीक है, क्योंकि सन आ गया, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन यहाँ पे बन रहा है, मैडागास्कर में हाई प्रेशर है, ठीक है, जो इंडियन ओशन से साउथ वेस्ट मानसून है वो तो हाई प्रेशर लेके आ ही रही है मॉइस्चर के साथ, तो इस हिसाब से हमारा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर आके इंडियन मानसून का मैकेनिज्म चलता है। ठीक है, इसके अलावा जो एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी है वो है कि आपने बहुत बार सुना होगा इस साल जो है मानसून कम होगी, इस साल जो है लेट मानसून आएगी, तो इसका रीज़न क्या होता है, इसका रीज़न ये होता है कि सबसे पहले देखिए, अगर इंडिया में जो है उस टाइम समर हो रहा होता है तो उस टाइम यूएसए में क्या हो रहा है, विंटर हो रहा होता है, और अगर यूएसए में समर हो रहा होता है, इंडिया में विंटर हो रहा होता है, इस टाइप से जो है हमारा सीजन का मैकेनिज्म है, आप लोग को ये बात पता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जनरली विंटर में, क्योंकि विंटर के बाद समर, समर के बाद मानसून आती है, ठीक है, विंटर में पैसिफिक ओशन के टाइम पे हाई प्रेशर होता है एंड इंडियन ओशन में लो प्रेशर क्रिएट होता है, ये ड्यूरिंग विंटर है, क्योंकि यहाँ से फिर यहाँ आने में तो उसको टाइम लगेगा ही ना, इसलिए विंटर में ये होता है कि पैसिफिक ओशन में जो है हाई प्रेशर होता है एंड इंडियन ओशन में लो प्रेशर क्रिएट होता है, और इसकी वजह से जो हमारा रेनफॉल है उस टाइम पे एकदम सही तरीके से आती है। लेकिन क्या होता है, कई बार इसका ठीक रिवर्सल हो जाता है, रिवर्सल मतलब कि
जो हमारा इंडियन ओशन है इसमें रिलेटिवली ज़्यादा प्रेशर होता है देन पैसिफिक ओशन से। इस रिवर्सल को कहते हैं हम लोग सदर्न ऑसिलेशन, जो कि होता है एवरी 2 to 5 years। ओके, अब बात करते हैं थोड़ा इसका और जो डिफरेंस है, ठीक है, कि हाई प्रेशर कहाँ ज़्यादा है, लो प्रेशर कहाँ ज़्यादा है, वो लिया जाता है हमारा बिटवीन टाहिटी एंड डार्विन। टाहिटी हमारा पैसिफिक रीजन में और डार्विन ऑस्ट्रेलिया में, जो कि इंडियन ओशन के साइड है। तो अगर डिफरेंस नेगेटिव आता है, ठीक है, मतलब कि डार्विन साइड जो है अगर ज़्यादा हाई प्रेशर होता है, ठीक है, तो उस साल जो हमारा लेट मानसून होगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर यहाँ पर हाई प्रेशर हो गया तो उस टाइम मानसून आ जाएंगे, मैं कह रहा हूँ रिलेटिवली हाई प्रेशर अगर होगा तो उस ईयर जो है लेट मानसून आएंगे। अब ऐसा क्यों होता है कि हर 2 to 5 years में जो है इंडियन ओशन में रिलेटिवली हाई प्रेशर बन जाता है? इसका रीज़न है हमारा एल नीनो इफेक्ट। एल नीनो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, एल नीनो होता है वार्म ओशन करंट्स। तो वार्म ओशन करंट्स क्या करती हैं, जो ओशन है उसको थोड़ा वार्म करते जाती है, ठीक है। अब क्योंकि वो वार्म करती है तो हमारा प्रेशर क्या होता है, एयर का वेट क्या होता है, कम होने लगता है, तो वो लो प्रेशर होता है। तो पेरिवियन कोस्ट से जो होती है तो पैसिफिक रीजन में क्या करती है, वो जो है प्रेशर को कम कर देती है, ठीक है, प्रेशर को कम कर देती है और जो है इंडियन ओशन में रिलेटिवली ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो है विंड्स है वो धीरे धीरे फ्लो करते हैं और इसकी वजह से हमारा ट्रेड विंड्स वीक हो जाता है, जो विंड्स आ रहे होते हैं वीक हो जाते हैं, इसलिए टाइम लग जाता है मानसून को आने में या कम मानसून आती है, और ये एवरी 2 to 5 years होता है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, पेरुवियन कोस्ट से कोल्ड करंट्स फ्लो करती है, इसलिए जो है पैसिफिक ओशन में हाई प्रेशर बनता है। लेकिन हर 2 to 5 years में एल नीनो जो कि वार्म करंट्स हैं वो फ्लो करती हैं और प्रेशर को लो कर देती हैं, तो इसकी वजह से हमारा लेट मानसून आता है, ठीक है। द ऑनसेट ऑफ मानसून, तो जो मानसून होती है हमारी बहुत सारी कंडीशंस में हमने देखा इफेक्ट होता है, ठीक है। तो ये जो मानसून है आखिर आता कैसे, तो जो मानसून है इसका ड्यूरेशन है 100 to 120 days। आप लोग को आइडिया होगा कि किस मंथ से किस मंथ तक मानसून होता है, ये होता है अर्ली जून टू मिड सितंबर पूरे इंडिया में, ठीक है। तो इस टाइम पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है, जब बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है तो हम लोग उसको कहते हैं बर्स्ट ऑफ मानसून, मतलब बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है। तो सबसे पहले तो सदर्न टिप ऑफ पेनिनसुला पे ये आती है, ठीक है, ये हमारा पेनिनसुला है पूरा और ये हमारा सदर्न टिप है, यहाँ है हमारा अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। तो जैसे ही साउथ वेस्ट मानसून विंड्स आती हैं, ठीक है, ये जो है दो ब्रांच में डिवाइड हो जाती है, एक हो गया अरेबियन सी, दूसरा हो गया बे ऑफ बंगाल। तो अरेबियन सी में क्या करती है, सबसे पहले मुंबई पहुंचती है अराउंड 10th June, ठीक है, 10th June में वो पहुंचती है। इसके बाद जो है मिड जून तक ये मुंबई यहाँ पे, इसके बाद सौराष्ट्र कच्छ तक पहुंच जाती है, ठीक है, 10th June में जो है यहाँ पहुंची, उसके बाद मिड जून तक सौराष्ट्र कच्छ तक पहुंच गई। तो इस तरीके से ये फ्लो कर रही है। जो बे ऑफ बंगाल वाला साइड है वो असम में पहुंच जाता है, ठीक है, 1st week of June में असम तक पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ जो माउंटेंस होते हैं, ठीक है, उसकी वजह से जो ये हो गए हमारे रिलीफ फीचर्स, तो हमारे जो माउंटेंस होते हैं उसकी वजह से डिफ्लेक्ट कर जाता है टूवर्ड्स वेस्ट। टूवर्ड्स वेस्ट हमारा क्या है, गैंगेटिक प्लेन्स, ठीक है, तो यहाँ पे डिफ्लेक्ट कर जाता है। तो ये जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है, ठीक है, यहाँ सौराष्ट्र कच्छ तक जो है अरेबियन सी की ब्रांच आ चुकी है एंड गैंगेटिक प्लेन्स जो वेस्ट की तरफ है यहाँ बे ऑफ बंगाल की ब्रांच आ चुकी है। तो जो यहाँ जो नॉर्थ गैंगेटिक प्लेन्स है यहाँ पे आके क्या होती है, ये दोनों मीट करती है, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाए, तो दिल्ली में इसमें तो बहुत टाइम लग चुका है, ठीक है, तो एंड ऑफ जून तक बे ऑफ बंगाल की ब्रांच दिल्ली में हिट करती है, 10th June तक मुंबई में हिट की, ठीक है। उसके बाद कुछ टाइम बाद क्या हुआ, जो है सौराष्ट्र कच्छ में हिट किया, बे ऑफ बंगाल में पहले असम में गया फिर वो वेस्टवर्ड शिफ्ट करता है, ठीक है। तो इसके बाद टाइम लगता है तो दिल्ली में आता है एंड ऑफ जून तक। फिर दिल्ली के ऊपर क्या है, हरियाणा, पंजाब, ठीक है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश जो है, राजस्थान यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे 1st week of July तक आती है, ठीक है, ये जो है आपको मानसून विंड्स आ रही हैं। इसके बाद क्या होता है, मिड जुलाई तक ये पूरे कंट्री में आती है। तो सबसे पहले जून में आ गई ये मुंबई में अरेबियन सी ब्रांच, फिर सौराष्ट्र कच्छ तक गई, फिर 1st week of June में असम की तरफ आए और वो वेस्टवर्ड शिफ्ट कर गए, फिर दोनों मिलते हैं और एंड में ये मतलब एंड ऑफ जून तक दिल्ली पहुंच जाती है। फिर दिल्ली के आसपास जो एरिया है, ठीक है, जो कि पंजाब, हरियाणा, ईस्टर्न राजस्थान, ये सब, इसमें जाने में थोड़ा और टाइम लगेगा, तो 1st week of July तक आती है। एंड जो बाकी का रेस्ट ऑफ इंडिया बचता है, ठीक है, वो हो गया मिड जुलाई तक पूरे कंट्री में फैल जाती है। ये हुआ हमारा ऑनसेट ऑफ मानसून।
तो अगर इस मैप पे आप देख सकते हैं कि पेनिनसुलर पार्ट में सबसे पहले मानसून आता है 1 जून पे यहाँ पे, फिर क्या होता है अरेबियन ब्रांच यहाँ पे और बे ऑफ बंगाल में हो जाता है, वो डिवाइड हो जाता है 10 जून जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, वो धीरे धीरे मुंबई पे आता है, फिर यहाँ गुजरात एरिया पे आता है मिड जून तक। ठीक है, जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है ये जो आप देख सकते हैं इसके बाद इस तरफ शिफ्ट हुई, मतलब असम के पास जाती है। ठीक है, और फिर ये गैंगेटिक प्लेन्स पे शिफ्ट हो जाती है टूवर्ड्स वेस्ट। फिर ये जो है अरेबियन वाला और ये यहाँ पे आके मीट कर रही है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद जो है दिल्ली पे बे ऑफ बंगाल वाली कंटिन्यू होती जाती है एंड एंड ऑफ जून तक आ जाती है। ठीक है, एंड जो इसके इधर है पंजाब एरिया, ठीक है, यहाँ राजस्थान एरिया, यहाँ पे क्या होता है 1 वीक ऑफ जुलाई तक आती है। और फिर जो बाकी का इधर का एरिया है यहाँ पे मिड जुलाई तक पूरी तरीके से मानसून आ जाती है। हम लोग बात करें विड्रॉल की तो ये स्टार्ट होता है नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स में सबसे पहले बाई अर्ली सेप्टेम्बर। ऑब्वियस ये बात है, अगर जो विंड्स मतलब मानसून इधर से आ रही है तो ख़त्म कैसे होगी, इधर से ही ख़त्म होगी ना, तो जो सबसे लास्ट में जहाँ पाया सबसे पहले वहाँ पे ख़त्म होगा। तो सबसे लास्ट में आया था नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स में, तो नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स में सबसे पहले ख़त्म होगा बाई अर्ली सेप्टेम्बर ये होने लगता है। फिर बाई मिड अक्टूबर ये जो है कम्प्लीटली नॉर्थ और हाफ ऑफ द पेनिनसुलर से चली जाती है एंड बाई अर्ली दिसंबर पूरी तरीके से मानसून ख़त्म हो जाती है कंट्री से। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये है विड्रॉल ऑफ मानसून का मैप। तो देख सकते हैं सितंबर में सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट होती है विड्रॉल होना। ठीक है, और आप सोच रहे होंगे दिसंबर में, दिसंबर तक तो मानसून होती नहीं अगर आप यहाँ नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो अक्टूबर तक ख़त्म हो जाती है पूरी तरीके से। ठीक है, अक्टूबर क्या मैं तो कहूँगा सितंबर तक पूरी तरह ख़त्म हो जाती है। यहाँ जो है इस पार्ट ऑफ एरिया में मिड अक्टूबर तक आती है एंड साउथ इंडिया में आपका थोड़ा टाइम लगता है दिसंबर तक, क्योंकि यहाँ से जून से जो है अगर आपको जुलाई लग रहा है तो ऑब्वियसली बात है सितंबर से तो दिसंबर लगता है बनता है बात। ठीक है, अगर आपको जून से जुलाई लग रहा है तो वहाँ से आने में भी तो यहाँ टाइम लगेगा ही ना, तो इस टाइप से आपका विड्रॉल होता है। ठीक है, सितंबर में सबसे पहले जो है यहाँ नॉर्थ वेस्टर्न रीजन से ख़त्म हो जाती है, अक्टूबर तक हमारा अपर पार्ट ऑफ पेनिनसुला, मिड अक्टूबर तक लोअर पार्ट ऑफ पेनिनसुला एंड साउथ से दिसंबर तक ख़त्म हो जाती है। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल।